और नींदें हराम हो गई और दिन में भी चैन नहीं आ रहा। ओ भाई इलेक्शन हो रहे हैं, परेशान क्यों हो गए हो? तेरा सियासी जमातें बड़ी कोशिश की लेकिन अब चल नहीं, कुछ नहीं है। इन्होंने अपने आप को खुद फंसा लिया। याद करें वो 10 फरवरी वाला दिन जब आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी कोर्ट में आए, उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन हमें इलेक्शन कराने का कहेगा तो हम कराएंगे। अब तो डेट दे दी है और इसीलिए मुतफरक दरख्वास्त दायर की है कि उन यकीन दहानियों पर रायन के आर्टिकल 218(3) के तहत और 220 के तहत, और ये भी साथ कहा है अदालत से कि जनाब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाए। खाली पोल डे तो एक मामला है, वो तो आईनी जिम्मेदारी है, लेकिन असल तो सेक्शन 57 के तहत जो 52 दिन वाला प्रोसेस है और उसका इलेक्शन शेड्यूल देना है जिसमें कागजात नामजदगी लेकर सारे मामलात हैं। इसीलिए लाहौर हाईकोर्ट से अब गुजारिश की है कि जहाँ मामले इनके निबट गए हैं, इलेक्शन तो अब होना ही होना है, तो इलेक्शन कमीशन को उसकी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी का पाबंद किया जाए कि वो फौरी तौर पर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करे। अगर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान नहीं करेगा तो मैं बताता चलूँ आपको, फिर तौहीन अदालत के लिए तैयार है। अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ व्यूज़ के साथ हाजिर है। बहुत सी खबरें हैं मेरे पास, बहुत से काम है करने वाले। आज लाहौर हाईकोर्ट में भी आपको पता है मेरा जहन जो है ना 24 घंटे में से वैसे 18 घंटे तो मैं जागता हूँ, वैसे 24 घंटे ही काम कर रहा होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे उस्ताद मोहतरम मुझे कहा करते थे यू आर एन आइडिया जनरेटर, यू आर ए मैन ऑफ एमरजेंसी। ये मैं आज से नहीं बात कर रहा, एम अनवर शौकत उनका नाम, एलएनएम हार्वर्ड से, भुट्टो साहब के राइट हैंड, और क्या जीनियस आदमी था। आज जो कानून में ना पैदा नहीं हुए ना, वो मम्मी डैडी क्लास में या मम्मी डैडी एचसन कॉलेजों में नहीं पढ़े हम, ना हमें शौक है कोई बैरिस्टर बनने का। अ मैन शुड नो हिज जॉब और ईमानदारी से काम करें आप। लोग सोचते हैं मैं कर गुजरता हूं, मैं पहले बैठ के तय करता हूं आज से लेकर आखिर तक का क्या तरीका कार करना, और उसके बाद मैं अमल दरामल शुरू करता हूं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई स्टेप भी किसी स्टेज के ऊपर गलत नहीं हुआ। इमरान खान साहब की जान को जो खतरात हैं, जो वीडियो लिंक के हवाले से बहुत काम कर रहे हैं हम लोग, और बहुत जल्द आपको अच्छी खुशखबरियां मिलेंगी इस हवाले से। आज जिस जिसका दुख हुआ वो गुरूर और तमाम, शुरू में आपने एक मेरा देख लिया होगा क्लिप, शुरू में चला होगा आपने, राणा यासिफ ने ट्वीट भी किया है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा क्या हालात और वाकयात चल रहे हैं। सलमान शहबाज स्पेशल जज सेंट्रल जज के पास आज गया जमानत के लिए या अपने खबरियत के लिए, तो किसी वर्कर ने आकर गुलदस्ता पेश किया और वो जो रवैया इख्तियार किया, फिरौनियत, तकब्बुर, अब यहां से अंदाजा लगा सकते हैं वो उतना, चूंकि सोशल मीडिया बहुत चल रहा है, वो बैकग्राउंड पे वो भी चल रहा होगा और आपको ले ही चलते हैं। स्पेशल सेंट्रल जज लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है, ड्यूटी जज ने वकला को बरियत की दरखास्त पर आइंदा समाप्त पर तलब कर लिया 11 मार्च तक, तारीखें भी छोटी मिलती हैं इन लोगों को। और सलमान शहबाज तायर नकवी में 13 मुलजमान ने हाजिरी की दरखास्त मंजूर, शरीक मुलजम औरंगजेब भट्ट की हाजिरी की दरखास्त मंजूर हो ली और ड्यूटी जज ने केस की समाप्त की, FI ने मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कराया। अब जहां राणा सनाउल्ला के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त जो है वो दायर हुई मरियम नवाज के आगे, वो पीर वाले दिन समाप्त होनी है और सबूत काफी है। मैं नहीं समझता मरियम नवाज को इतनी अहमियत देने की जरूरत है, यानी उसका तो काम ही है इधर उधर की बातें करना और मिलायन करना, हर इदारे को तो मिलायन किया इसने, और जितना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नून को इसने पहुंचाया है मरियम सफदर ने, और किसी ने क्या पहुंचाना है, जो करीबी लोग ये हालात बनाते हैं। इसी तरह इमरान खान साहब के लिए खिलाफ भी तौहीन अदालत की दरखास्त, नदीम सरवर एडवोकेट मुस्लिम लीग नून के हमारे दोस्तों ने, मैं छोटे भाइयों की तरह नदीम सरवर मुझे पता है और चले, और मुनज़म कैंपेन बुक चला रही है, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करा देने पर जज के खिलाफ कैंपेन चलाएगी। और लाहौर हाईकोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान वो लोगों के साथ गए, सरकारी इमारतों को नुकसान और नारेबाजी करते हुए अदालत तौहीन अदालत है, जुडिशल कम्प्लेक्स पर प्लान के लिए के हमला किया जिसके मास्टरमाइंड इमरान खान थे, अदलिया को प्रेशराइज करने के लिए वर्क जुडिशल बुलाया, तौहीन अदालत की कार्रवाई की। हर एक को पता है
इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट आए थे तो कौन सा प्रेशर था, तो अदालत ने बुलाया चौब, तो मैं तो अच्छी तरह याद है, हमने तो सारे वो देखी हैं सारी चीज़ें, हमारे सामने हुई हैं, हमारे सामने सारा कुछ हुआ, हमने अपनी आंखों से देखा है। और इमरान खान के बस घर से बाहर निकलना है, वो इतने अरसे से लोग उसके घर के बाहर जमान पार के बाहर सारी रातें गुजारते हैं, और बड़ी बड़ी ऐसे ऐसे लोग वहां पर मौजूद होते हैं, मेरी खुद हैरानगी होती है इस बात के ऊपर, मैं सच बताऊं आपको, बहुत लोग हैं वहां पर, वो दिल से प्यार करते हैं इमरान खान को। तो यहाँ लोग निकलने नहीं रोक सकते आप, जितना मर्जी हमें पता है ना, लाहौर हाईकोर्ट में जब उस दिन पेशी थी हिफाजती जमानत की, हम नहीं रोक सके, हमारे हाथ खड़े करने पड़ गए। ये तो उस लीडर की हिम्मत है, तकलीफ के बावजूद, सिक्योरिटी के बावजूद और जितनी थ्रेट्स हैं उसको, उसके बावजूद जो है वो कौम के लिए लड़ रहा है। मैंने एक काम और किया है, सुप्रीम कोर्ट के पंजाब में इंतखाबात कराने के हुक्म पर अमल दरामद के लिए मुतफरक इंट्रा कोर्ट अपील जो पेंडिंग पड़ी है पीर को लगी हुई है, और मुरीद अहमद की तरफ से दरख्वास्त मैंने दायर की है इसमें, और सदर मुमकिन ने पंजाब के इलेक्शन की तारीख 4 अप्रैल दे दी है। पता है आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1 मार्च का आया, इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुलाए, सदर को डेटे प्रपोज की 30 अप्रैल से 7 मई की, सदर पाकिस्तान ने वो डेट पकड़ी और 30 अप्रैल की डेट दे दी। और इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम इदारों पर शमूल निगरान हुकूमत को इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत का कहा, आर्टिकल 220 है ये, बैकग्राउंड पे 220 भी चल होगा, 218 साफ शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और लाहौर हाईकोर्ट के 10 फरवरी के फैसले में आईजी और सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी पंजाब पेश हुए थे और यकीन दहानी कराई थी शफाफ शफाफ इलेक्शन कराने की, इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे मुकम्मल, और ये आइन के आर्टिकल 220 के तहत कमीशन की मुआवनत करने के पाबंद है, और ये बहुत जरूरी है समझने के लिए। लेकिन यहां हमारी निगरान हुकूमतें ट्रांसफर पोस्टिंग पे क्या हाल किया रखा है इन्होंने, तबाही कर छोड़ी, आप जरा सोचिएगा, यानी हद होती है किसी बात की, यानी कानून को हाथ में इस तरह लेना, इस तरह बेवकूफ बनाना। साथ ही मैंने और बात की सेक्शन 57 का था इलेक्शन शेड्यूल, पोल डेट आ गई, 7 दिनों के अंदर शेड्यूल देना है, वह मैंने कहा है कि शेड्यूल दिया जाए ताकि 30 अप्रैल तक इलेक्शन मुमकिन हो सके। एक तो रोजों वाली बात आ गई, और मैंने जो बात आपको कही थी पिछले मार्च अप्रैल से, आपको मैं कह रहा हूं अप्रैल में इलेक्शन मिलेंगे, और अप्रैल में इलेक्शन आपको मिल गए हैं, और मैं ये भी खबर आपको दे चुका हूं, और ये मैं आज भी पुरानी कह चुका हूं मैं, और मैं ये बात, मेरा ट्वीट बड़ा आम चला है, अदालतें कल भी अहम थी, आज भी अहम और आम रहेंगी, और ये भी मैं बता चुका हूं नेशनल असेंबली तहलील हो रही है, वक्त से पहले बता रहा हूं आपको, वबांगे दोहल बता रहा हूं, और इस बात पर मैं कायम हूं, और आप देख लीजिएगा नेशनल असेंबली भी तहलील होगी और इलेक्शन इकट्ठे होंगे। अमेरिका में कुछ दोस्त हमारे बैठे वहां बता थिंक टैंक वहां बात कर रहे हैं कि अक्टूबर से पहले पहले ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाएगी, नई हुकूमत जो भी आए अमेरिकन सारे के साथ काम करने के लिए तैयार है। इमरान खान के बारे में जो कहा जा रहा है शायद ऐसी बात नहीं है, अब ठीक है ना जी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और आप यहां, और एक बड़ा दुख और अफसोस है, बहुत काबिल जज जस्टिस मजार अली अकबर नकवी को जिस तरह बदनाम किया जा रहा है, सतोहीन की जा रही है उनके बच्चों के बारे, बड़ी मेहनती बच्चे हैं जी, बच्चों की तरह से है, मैं तो उनको काम करते देखा है, कई दफा मेरे साथ पेश हुए हैं, मेरे कई क्लाइंटों की तरफ से पेश हुए, मैंने तो कभी बुरा इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं माना कि एक बच्चा मेहनत करके आगे आ रहा है और हम रोड़े अटका लें, ये बड़ी ज्यादती है। ये कैसे रेफरेंस, शौक की खातर, मीडिया खबर बनाने की खातर, मैंने सारे को पढ़ा 1000 दफा। अच्छा ये वो वीडियो की बात करें, ऑडियो की बात, ऑडियो के बारे में खुदारा अरशद मलिक का फैसला पढ़ लें, वो प्रिंसिपल समझ लें, वो क्या है, पहले ऑडियो का फोरेंसिक होना, पहले सीखे अदालत तो चले जाए फोरेंसिक होगा, ये अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये तो जो आपने रेफरेंस दायर किया ये काबिले समाअत ही नहीं है, वैसे ही काबिले समाअत नहीं है, उसमें तय ये हुआ कि पहले फोरेंसिक होगा, फोरेंसिक होने के बाद फिर शहादतें होंगी उसमें, फिर देखा जाएगा कि क्या बात है, फिर यह भी तय किया जाएगा जो बात की जैसे है कैसे कोई ताल्लुक। और मैं पहले भी बता चुका हूं जो पहले वाली बात है वो सितंबर की बात है, वो जो मोहम्मद खान वहां पर जो कहा है वो गया, यानी इंतजामिया का काम है सारे मामला, ट्रैफिक पुलिस ने बदतमीजी की, वो पहले भी बता चुका हूं, आईजी तक अब तक मामला गया तो वो माफी मांगने के लिए इस हवाले से कि ये ज्यादती हुई है, और वहां जाते ही चौधरी पर भेजा इससे बात करा दी, इसमें परेशानी क्या बात है, आई डोंट थिंक सो एनी है, क्या केस लगा हुआ था उनके पास, कोई केस नहीं लगा हुआ था, या को बता रहे कि किसी केस में उन्होंने फायदा दिया हो, अच्छा नहीं लगता है। और ये सारे का सारा संगीन नोयत की वो ट्रांसक्रिप्ट एक लगाया हुआ है, ट्रांसक्रिप्ट में क्या है जी,
अब उन्हें इतना नहीं पता कि वो कौन सी डेट का है, लेकिन ये सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, गलत हो रहा है। और वो कहते हैं ये मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट दूर तक नहीं है, मिसकंडक्ट जिन लोगों ने किया है वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, वो याद रखिएगा वो है मिसकंडक्ट। ये कोई मिसकंडक्ट या का क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं कौम को, जैसे जाजुल एहसन और बदली के खिलाफ बोलिए टारगेट कंपेन कौन चला रही है, मरियम नवाज। रात के प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया था, और आने वाला हफ्ता बहुत आम है, बहुत आम है। मरियम वगैरह की चलनी कोई नहीं है, चाचा वैसे ही। और मैंने एक और ट्वीट किया था कि तीसरा सेशन, तीसरा सीजन शुरू होने वाला है बीमारियों बीमारों का, और वो देखिएगा आपके सामने सारे आ जाएंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।